मानसी जी जी बोलिए। मानसी आज ऑफिस में कुछ फॉरेन से क्लाइंट आने वाले हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग है। मैं वो डबल नॉट वाली टाई बांधना चाहता हूँ, वो बांध के मैं बड़ा स्मार्ट लगता हूँ। तुम्हें बांधनी आती है? जी आती है ना। तो बांध दो ना प्लीज। जी पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 5 तक गिनती गिनिए, फिर बांधूंगी। मानसी बंटी में और मुझ में कुछ तो फर्क रखो। कीजिए ना प्लीज। प्लीज मत बोला कर, ना नहीं कर पाता हूँ। 1 2 रिंग रॉन्ग रिंग 3 अच्छे से बन जाए 4 रिंग रॉन्ग रिंग 5 मानसी जी ये डिसाइडेड है कि मैं ही ऑफिस जाऊंगा और ये टाई पहन के जाऊंगा। जी टाई तुम्हें नहीं बांधनी है। सॉरी सॉरी वो क्या है ना, मैंने सोचा कि पहले खुद पे ट्राई करूं फिर मैं आपको बांधूंगी। प्लीज फिर से आके बंद कीजिए। 1 2 रिंग रॉन्ग रिंग इनके गले में टाई बन जाए रिंग रॉन्ग रिंग 4 5 मानसी जी मुझे ऑफिस जाना है, सर्कस नहीं। कि तुमने ये क्या फूल बना दिया? सॉरी वो क्या है ना, आज मैंने फूल गोभी की सब्जी बनाई है तो वैसी बांध दी। मानसी अब भिंडी की सब्जी बनाओ और नॉर्मल टाई बांध दो प्लीज। जी जी अभी लास्ट चांस, अभी मैं सच्ची में अच्छे से बांधूंगी प्लीज आंखें। हाँ बंद कर ली। 1 अभी कोई शरारत नहीं है। 2 रिंग रॉन्ग रिंग इनके गले में टाई अच्छे से बन जाए 3 रिंग रॉन्ग रिंग 4 5 चलो मैं चलता हूँ। सुनिए मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूँ लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज मैं हाफ डे लेके वापस आ जाऊंगा और तुम्हें घुमाने फिराने लेके जाऊंगा। So sweet. तो फिर ठीक है, 2 बजे के बाद हम लोग वेस्टर्न मॉल में मिलते हैं ठीक। लेकिन तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना 2 बजे तक? जी। मानसी मैं तुमसे एक बात कहूं? जी। अपनी आंखें बंद करो। So sweet. बदमाश है ये। बहू मेरा नाश्ता। क्या खाएंगी माँ जी? हलवा पूरी जलेबी श्रीखंड तो तू देगी नहीं, वही दे दे, 1 गिलास ठंडा दूध और 2 सूखे टोस्ट। हलवा पूरी ट्राई करते हैं। रिंग रॉन्ग रिंग हलवा पूरी जलेबी श्रीखंड आ जाए रिंग रॉन्ग रिंग। ये क्या फिर गड़बड़ हो गई? ये सब उल्टा क्यों हो रहा है? इस अंगूठी के साथ भी मेहनत है, फिर से ट्राई करते हैं। रिंग रॉन्ग रिंग हलवा पूरी जलेबी श्रीखंड एक प्लेट में आ जाए रिंग रॉन्ग रिंग। यस सियापति रामचंद्र की जय। वाह बहू, जब से मैंने तुझे योगा कराया ना तू बहुत चुस्त हो गई। जी माँ जी, माँ जी आज मैं सुबह से सोच रही थी कि आज मैं आपके लिए कुछ अलग नाश्ता बनाऊं और आपने वही मांगा जो मैं बना रही थी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तू ऐसे कर। हाँ? 2 टोस्ट और 1 गिलास दूध का भी ले लिया, मतलब आदत बनी रहनी चाहिए ना, रोज तो ऐसा नाश्ता मिलेगा नहीं। माँ जी खिलाऊंगी ना जो बोलेंगी। अच्छा छोड़। हाँ ऐसा कर, वहाँ बिस्तर पे ना मेरी साड़ी पड़ी है उसमें फॉल लगा दे और जरा मेरी अलमारी भी साफ कर देना। जी माँ जी। बच्चों
बंटी चलो नहा लो। मासी बस दो मिनट। यस। बंटी स्कूल के लिए लेट हो जाओगी, चलो। मासी मैथ्स का होमवर्क बचा था, हो गया। हो गया ना, चलो वेरी गुड। अब जल्दी से नहा लो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता भी तैयार कर लिया है। लो ये यूनिफॉर्म। ये क्या किया? मासी मैं पेन झटक रहा था, गलती से इंक शर्ट पर आ गई। मासी आप मुझे दूसरी यूनिफॉर्म दे दो ना, तब तक मैं नहा के आ जाता हूँ। अरे हे भगवान, दूसरी यूनिफॉर्म भी गंदी पड़ी है। रिंग रॉन्ग रिंग, इंक बिल्कुल साफ हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। The end. अजय, अजय तू महान है अजय। क्या स्क्रिप्ट लिखी है तूने? तेरी ये कहानी बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। भाभी, भाभी। क्या हुआ अजय? भाभी, मेरी फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी हो गई भाभी। अरे वाह, that's a good news. क्या नाम है फिल्म का? मुझे नहीं पता। कोई टाइटल अभी भी फाइनल नहीं हुआ? भाभी ये फिल्म का नाम है मुझे नहीं पता। ये क्या टाइटल है मुझे नहीं पता? भाभी स्टोरी सुनोगी तो पता चलेगा। भाभी it's a love story, women oriented. इसमें कोई हीरो नहीं है। तो लव स्टोरी किसकी है? यही तो, ये एक मछली और हीरोइन की लव स्टोरी है। अब कहानी कुछ इस तरह से है कि हीरोइन के घर में एक एक्वेरियम है। उस एक्वेरियम में एक नन्ही सी मछली रहती है। हीरोइन मछली से बेहद प्यार करती है, लेकिन एक दिन अचानक तड़ाक एक्वेरियम टूट जाता है। वो मछली तड़प रही है, मछली बेघर हो गई है। अब हीरोइन उस मछली को हाथ में लेकर दर दर भटक रही है, लोगों से पूछ रही है कि भाई इसके लिए कोई एक्वेरियम मिलेगा। लेकिन भाभी वो जिस किसी से भी पूछ रही है, हर कोई उसे यही जवाब दे रहा है कि मुझे नहीं पता। भाभी आप बैठिए और पूरी कहानी सुनिए, बैठिए आप। मर गई, अगर इसकी स्क्रिप्ट सुनने बैठ गई तो दो क्या, शाम 5 बजे तक विजय मेरा वेट ही करते रह जाएंगे। भाभी इतने हैवी इमोशंस हैं कि आप रो पड़ेंगी। हाँ अजय वो तो है, लेकिन अजय मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना पहले अपनी फिल्म की हीरोइन ढूंढ लेनी चाहिए। मेरा क्या है, मैं तो कभी भी रो लूंगी ना, मतलब सुन लूंगी। वैसे भाभी आपकी ये बात बिल्कुल सही है, मैं अभी किसी कास्टिंग एजेंसी में जाके हीरोइन ढूंढता हूँ। सॉरी भाभी मैं आपको अभी अपनी स्टोरी नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन वापस आने के बाद सबसे पहले आपको ही सुनाऊंगा। पक्का? लो भाभी आपको मेरे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं है, आप बैठिए मैं अभी सुनाता हूँ। नहीं, नहीं, विश्वास है ना विश्वास, मैं बाद में सुन लूंगी, है ना? ठीक है चलता हूँ। हीरोइन के बाद मुझे मछली की भी तो कास्टिंग करनी है। वैसे आपकी नजर में कोई अच्छी मछली है? मुझे नहीं पता। मछली पागल। भाभी तुम्हारे घर का काम कौन करता है? मैं करती हूँ ना। क्यों? हाँ, झाड़ू कटका बर्तन कपड़े साफ सफाई सब। जी भाभी असली मजा सबके साथ ही है, इसलिए सारा काम मैं खुद करती हूँ। तुमने मुझे कभी बताया नहीं तुम्हें नौकरानी की जरूरत है। अगर मेरे घर पे इतना काम हो ना तो मैं 3-3 नौकरानियां रखूं। चलो लाओ 2000 रुपए लाओ। 2000 क्यों? कल माजी ने मुझे नौकरानी के लिए कहा था। भाभी अब 2000 रुपए में हमारे घर का काम करेंगी? What nonsense! मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एजेंसी फोन करूंगी, काम चालू है एजेंसी, वो तो मैं नौकरानी भेजेंगे, उनकी फीस है 2000 रुपए। लेकिन भाभी मुझे ना मेड की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं है लेकिन माँ जी को तो है ना, मैं माँ जी से पूछ लूंगी। माँ जी कैसी हो बेटा? बिंदु माँ जी कल आपने मुझसे मेड लाने के लिए कहा था ना। हाँ लेकिन माँ जी हमें मेड की क्या जरूरत है, मैं सारा काम तो कर ही लेती हूँ ना। और फिर आप मेरी तारीफ करने आई थी ना, क्योंकि मैंने आपकी साड़ी में फॉल भी लगा दी। भाभी हमें मेड की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है बहू, साड़ी में फॉल उल्टी लगी है। चलो
2000 रुपए। थैंक यू वेरी मच, मैं अभी एजेंसी से फोन करती हूँ और वो अभी आ जाएंगे। ओके और मानसी फॉल ठीक से लगाना। नमस्ते माँ जी। बहू जी जी माँ जी, मैं आपकी साड़ी की फॉल ठीक कर दूंगी। अरे कमाल है, कभी तो एक शब्द में ही तो मेरी पूरी बात समझ आती है और कभी सियापति रामचंद्र की जय। ये अंगूठी भी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साड़ी की फॉल उल्टी लग गई। लेकिन सुबह तो बंटी की यूनिफॉर्म से वो दाग बिल्कुल साफ हो गए थे, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं सर्च क्या रहा हूँ मैम, मैंने पूरा होमवर्क किया था। होमवर्क की तो तुम बात भी मत करो बंटी, ये देखो तुमने कॉपी में अपना नाम तक नहीं लिखा है। साइलेंस, कान पकड़ो। मैंने लिखा था मैम, मैंने सब लिखा था, मैंने होमवर्क भी किया था। तो वो सब कहाँ गया, किसी ने जादू से मिटा दिया? मुझे अगर पता होता तो मैं आपके सामने ऐसे कान पकड़ के क्यों खड़ा रहता। शट अप। जी माँ जी, कहीं जा रही है? जी माँ जी, उन्होंने कहा कि मार्केट से कुछ सामान लाना है तो। नहीं नहीं, आज तू कहीं नहीं जाएगी, आज राशिफल में लिखा है कि तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है। माँ जी मुझे कुछ नहीं होगा। अरे तुझे नहीं, मुझे, मेरे लिए, मेरे राशिफल में लिखा है कि अपनी बहू को 5 मिनट से ज्यादा अपनी नजरों से दूर ना होने दे। माँ जी का राशिफल मेरे लिए हानिकारक सिद्ध होगा, इतना अच्छा मौका मिला था आज, अब मैं विजय के पास कैसे जाऊंगी? क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी। तो बोल ना। सियापति रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अरे जा देख कौन आया है, और सुन हर 5 मिनट में आके मुझे अपनी शक्ल दिखा देना। हाँ जी। सियापति रामचंद्र की जय। सॉरी सॉरी सॉरी, कहिए किससे मिलना आपको? हेलो हेलो, एक मिनट, किससे मिलना है आपको? मैं काम चालू एजेंसी से आई है। रश्मि है क्या? बाई है? ओ बाई, बाई तो नहीं भेजी उन्होंने। अरे येडी बाई मई छे ना, पढ़ने को आता है क्या तेरे को? हाँ आता है ना, पढ़ना चाहिए। पढ़ो, पान नंबर 15। ये क्या है? इसमें मेरा कायदा कानून लिखा है। कायदा नंबर 1, मई सुबह 9 बजे से पहले नहीं आएगी। कायदा नंबर 2, मेरे को दोपहर को खाने में रोज दाल लगता है, उसके बाद 1 घंटा सोती है। घर में बच्चा बिच्चा नहीं है ना, होगा तो बाहर भेजने का। कायदा नंबर 3, शाम का नाश्ता मैं खुद ही बनाएगी सबके लिए। ए शारी, खुद के लिए? किसी को मांगता है तो एडवांस में बोल लेगा आगोदरज, मेरे को किचकिच 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 नहीं करने का। हाँ थोड़ा दोस्ती होने के बाद किचकिच चलेगा, वही भी करेगी ना। और एक बात, मेरे को हफ्ते में 1 छुट्टी चाहिए पगार के साथ। लास्ट पॉइंट, मेरे को होली में गुलाल और दिवाली में मिठाई नहीं मांगता है। क्यों? डाइटिंग करती है ना मैं, कैसे चलेगा? मंजूर? मंजूर है। लाओ। अरे ये तो मैंने अभी तक पढ़ा भी नहीं है। काइकू, मैं जो बोली वैसे लिखा है ना इसमें। आली मोटी शानी, मेरा केबिन किधर है? क्या केबिन? हरिया दिया हुआ, इतना पढ़े ली तेरे को केबिन नहीं मालूम? ओ किचन। उधर ही किधर है? आइए मैं बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इधर ही रुको। भगवान, ये नौकरानी है? नौकरानी भाई, मेड, ऐसा कुछ बोलने का नहीं। रोशनी बोलने का? जी रोशनी जी। ए, गाली किसको देती है? एक बार बोला ना रोशनी बोलने का तो रोशनी बोलने का। कितना बजा? 1 बज रहा। मेरा मिल्क पीने का टाइम हो गया। मिल्क? हाँ, डाइटिंग पे है ना मैं। बाबूजी
अरे अपने सामने देख बाऊजी। वाह बहू वाह, तेरे जीवन में रोशनी आई भी तो ऐसी। बाऊजी इस रोशनी को छोड़िए, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और है। मैं जानता हूँ बेटा तेरी प्रॉब्लम क्या है। तेरी प्रॉब्लम ये है कि तू अपने पति के साथ पिक्चर जाना चाहती है, शॉपिंग जाना चाहती है। जी बाऊजी, मगर इसका एक उपाय है। बहू कौन था? जी बोल दे कोई नहीं है। मगर बाऊजी उपाय चाहिए ना। जी तो फिर बोल दे कोई नहीं था। अच्छा अच्छा, कोई नहीं था माँ जी, तो आ जा मेरे पास। बस अभी आई बाऊजी, बताइए ना मैं क्या करूं। देख बहू, तुझे जाना है अपने पति विजय के पास, और सुहासिनी ने कहा है कि तू उसके सामने से 5 मिनट से ज्यादा के लिए हट नहीं सकती। जी। और ऊपर से घर में एक बाई आई हुई है जिसके बारे में तेरी सास को कुछ पता नहीं है। बेटा इस बाई को ऊपर वाले ने तेरी मदद के लिए भेजा है। वो कैसे? वो ऐसे कि तू उसे रोशनी से मानसी बना दे। क्या? तू उसे बिल्कुल अपने जैसा बना दे और अपनी सास के सामने बिठा दे, तो बड़े आराम से विजय के साथ जाके पिक्चर देख, शॉपिंग कर। नहीं बाबूजी, अगर गड़बड़ हो गई तो? अरे कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। तू बस रोशनी को इतना समझा दे कि अरे वाह बाबूजी, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। अरे बहू एक मिनट बाकी है, जल्दी आ। जी अभी आई। जल्दी कर बहू, जल्दी कर। रिंग रॉन्ग रिंग, रोशनी बिल्कुल मेरी जैसी बन जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। वो तो बिल्कुल मेरी जैसी लग रही है। अरे रिएक्शन बाद में देना, पहले जाके उसको बता दे करना क्या है, जा। ओ हाँ, मैं अभी आई। रोशनी। रोशनी, मेरी बात ध्यान से सुनना। जैसा मैं कहती हूँ अगर तुमने ठीक वैसा ही किया ना, तो मैं तुम्हें पूरे 1,000 रुपए दूंगी। सुनो सुनो, वहाँ ना माँ जी का कमरा है, माँ जी के सामने जाके बैठ जाओ। वो जैसा कहे ना बिल्कुल वैसा करना। और वो क्या है ना, माँ जी घर में सबको अपने परिवार जैसा समझती हैं, तो अगर वो तुम्हें बहू कह के बुलाए ना तो सुन लेना। और हाँ, मेरा भांजा बंटी जैसे स्कूल से वापस आ जाए उसे अच्छे से खाना खिला देना। सबसे खास बात, आज के दिन हमारे घर में कोई शीशा नहीं देखता है। अगर किसी ने शीशा देख लिया तो उसकी आंखें खराब हो जाती हैं, समझी? तो शीशा मत देखना, समझ गई ना? तो जाओ माँ जी के कमरे में जाओ, जाओ। अरे 5 मिनट तो पूरे होने वाले हैं बहू। लिया बना रखा है ये बालों में बगीचा, किसी फैंसी ड्रेस में जा रही है बहू, एकदम जोकर लग रही है। ए माँ जी, इज्जत से बात करने का समझी क्या, दिमाग पर दही नहीं करने का समझी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।